मैंने मेरे बुजुर्गों की जो संपत्ति है जमी जीव क्या उसी के ऊपर निर्भर हूँ। उसी में मैंने ग्रीन हाउस बनाए छः, उनमें पक्की नाली बनाई, पॉन्ड हार्वेस्टिंग बनाया और फिर उनका पानी इकट्ठा करके और इनसे हम पैदावार ले रहे हैं। तो पहले ये पॉन्ड नहीं बनाया था हमने, ट्यूबवेल से जो पानी देते थे ना, तो उसमें इनमें जो फर्टिगेशन माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह देते थे तो जो बोरिंग का पानी होता था ना वो पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं करती थी फसल। और जो हमने पानी हार्वेस्टिंग किया बरसात का पानी, इस बरसात के पानी से हम जितना देते हैं इनके अंदर फर्टिगेशन माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह वो सभी 100% काम में आते हैं। ये फर्क है पॉन्ड के पानी में और ट्यूबवेल के पानी में। पैदावार कम खर्चे में भी पूरी मिलती है पॉन्ड के पानी से, और जो बोरिंग का पानी होता है ना उसका पीएच भारी होता है और पॉन्ड का जो बरसात का पानी होता है उसका लो पीएच होता है। तो लो पीएच के अंदर हमारी को ये फर्टिगेशन वगैरह देते हैं, इसका पूरा प्रॉफिट मिलता है। और जो हाई पीएच का पानी होता है ना बोरिंग का, उसके अंदर हम वो देते रहते हैं लेकिन वो इतना असरकार नहीं होता है, 50% ही काम करता है वो, और ये 100% काम करता है। इतना फर्क है खीरे में, कैप्सिकम मिर्ची में और टमाटर में। हमने ये तीन फसल करके देखी है, इनके अंदर तीनों के अंदर बराबर इतना फर्क है 50% का, पॉन्ड के पानी का और ट्यूबवेल के पानी का। इससे पैदावार भी दुगनी मिलेगी और खर्चा भी कम होगा, और बोरिंग के पानी से खर्चा भी पूरा होगा और पैदावार भी 50% ही मिलेगी अपनी। तो जो भी काश्तकार भाई यहाँ देखने आते हैं और हमारे देखने के बाद में वो भी यही कहते हैं कि हमने भी यही सिस्टम बनाना है, तो वो ये सिस्टम जिन्होंने बना लिया वो तो कामयाब हो रहे हैं, जिन्होंने ये सिस्टम नहीं बनाया वो तड़पते हैं पैदावार के लिए कि हम भी आप जितनी करें, लेकिन वो तो पैदावार तो पानी से होती है। ये पानी अमृत है, बरसात का जो इकट्ठा किया हुआ पानी है इसमें एक बूंद भी हम फिजूल नहीं जाने देते हैं साहब। बरसात का पानी जितना होता है बूंद बूंद हमारे पॉन्ड के अंदर आता है, और पॉन्ड से फिर हमने सोलर पंप लगा रखा है, जो सोलर पंप से हमने छऊँ ग्रीन हाउस के अंदर पानी दे देते हैं। बिजली की समस्या, दिन में बिजली आती नहीं है, धूप पड़ती है तो इनके ऊपर फोगर वगैरह चलते हैं, तो वो बिजली बिगड़ कैसे चले, तो हमने फिर 15 के अंदर ये सोलर लगाया, सोलर से इनके ऊपर फोगर वगैरह चला दिया। तो गर्मी जो ज़्यादा टेम्परेचर 40 से अबव जाता था तो उस टाइम हम इनको चला देते थे, तो इनके ऊपर जो पानी गिरता था वो वापस रिटर्न होकर के पॉन्ड में आ जाता था, तो हमारा पानी भी वेस्टेज नहीं जाता था और खीरे के ऊपर टेम्परेचर भी कुछ लो हो जाता था, इसलिए उसके अंदर हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचती।